हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एनएल स्टॉक्स। देखिए, फ्राइडे को एक बार फिर से हमें निफ्टी के ऊपर फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। फ्राइडे को एक नया ऑल टाइम हाई लगाया निफ्टी ने 15,962 के लेवल पर, लेकिन वहां से प्रॉफिट बुकिंग के चलते जितनी भी तेजी थी वो सारी गवा के और प्रीवियस डे की क्लोजिंग के आसपास ही क्लोजिंग होती हुई देखने को मिली है। आज का वीडियो, निफ्टी टुमारो का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले पूरे हफ्ते में, क्योंकि आपको इस चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि जितनी भी मेजर कंपनीज हैं उनका रिजल्ट्स, उनके Q1 के रिजल्ट्स इस हफ्ते में आने वाले हैं, जिसमें रिलायंस एंड HDFC बैंक शामिल है, क्योंकि HDFC बैंक के रिजल्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। वहां पर हमने देखा किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर 16% का इजाफा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके मार्केट एक्सपर्ट ये बोल रहे हैं कि एस्टिमेट्स जो थे वो बीट नहीं कर पाया है HDFC बैंक। देखिए, रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन जब भी एक लाइन लगा दी जाती है उसके सामने कि मिस्ड स्ट्रीट एस्टिमेट्स, यानी कि जो एक्सपर्ट के एस्टिमेट्स थे उसको बीट नहीं कर पाया, तब हमने देखा है कि देखिए, एक पॉजिटिव इंपैक्ट की बजाय एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देता है। हाउएवर, अब किस तरीके से कल HDFC बैंक के अंदर कामकाज होगा वो हमें कल ही देखने को पता चलेगा। इसके बाद देखिए, बजाज फाइनेंस, रिलायंस के भी रिजल्ट्स आएंगे, और इस तरीके से तमाम बड़े निफ्टी के जो स्टॉक्स हैं उनके रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। तो इस बार 16,000 का मार्क पार हो पाता है या नहीं, ये काफी हद तक डिपेंड करेगा Q1 रिजल्ट्स एंड उसके कॉरेस्पॉन्डिंग किस तरीके से निफ्टी के अंदर खरीदारी होती है वो देखने वाली बात होगी। चलिए, अब मैं आगे लेके चलता हूं। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट, जो ग्लोबल स्टॉक मार्केट है उनका क्या रुख चल रहा है। अगर आप देखेंगे अमेरिकन मार्केट्स को तो अच्छी खासी गिरावट यहां देखने को मिलेगी, लगभग 300 पॉइंट्स की डाउ जोन्स में। नैस्डेक में देखिए 100 पॉइंट से ज्यादा की। इस तरीके से अगर आप देखेंगे एशियन मार्केट्स भी, यूरोपियन मार्केट्स भी पूरे लाल निशान के साथ ही यहां पर आपको नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा गिरावट के संकेत यहां पर है, लेकिन आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि मार्केट जो ऑल टाइम हाई पर है वहां पर इस तरीके के ट्रफ्स एंड क्रेस्ट बनते रहते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव आते रहते हैं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पर जब भी मार्केट्स पहुंचते हैं कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग पीरियोडिकली वहां पर आती रहती है। इसलिए बुल साइड से बेयरिश साइड में होने का कोई भी यहां पर एक कारण नजर नहीं आ रहा स्टिल, अगर आप इस पर्सपेक्टिव से चलते हैं। कुछ लोग देखिए ये भी कह सकते हैं कि कोरोना वायरस का जो डेल्टा वेरियंट है उसका यूरोप में पाया जाना, उसका जापान में पाया जाना और अन्य एशियन कंट्रीज में पाए जाने की वजह से मार्केट्स डाउन है। बिल्कुल हो सकता है, ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन स्टिल अभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिले। अब आने वाला हफ्ता किस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स के लिए रहता है उसके ऊपर हमें क्लोजली वॉच रखनी होगी। फिलहाल की कंडीशन ये है कि ऑल ओवर जो मार्केट्स हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अब फ्राइडे को क्या हुआ देखिए। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इंडिया विक्स में आपको दिखा रहा हूं। इंडिया विक्स अपने ऑल टाइम लो पर इस वक्त ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। 11.70 की क्लोजिंग है लास्ट ट्रेडिंग सेशन की, लगभग 5% की गिरावट के बाद में। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इसका सिग्निफिकेंस तो मैं ऑलरेडी आपको कई बार बता चुका हूं, कई वीडियोस में बता चुका हूं किस तरीके से इसको इंटरप्रेट करना चाहिए, लेकिन एक चीज मैंने साथ में और बताई थी कि बहुत ज्यादा इंडिया विक्स का होना या बहुत कम इंडिया विक्स का होना, दोनों ही चीजें एक्चुअली में अनस्टेबल कंडीशन होती है। अब इंडिया विक्स इतनी ज्यादा नीचे आ चुका है, बहुत ज्यादा इसने अपने लेवल्स को नीचे कर लिया है, यानी कि यहां पर भी एक कंडीशन ऐसी है कि मार्केट में एक ड्रास्टिक मूवमेंट आ सकता है, तो उससे भी आपको थोड़ा सा बचना चाहिए, यानी कि उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन इंडिया विक्स बिल्कुल नीचे आ चुका है, तो किस तरीके से मार्केट करवट ले सकता है यह भी आपको दिमाग में रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लो विक्स भी एक अनस्टेबिलिटी की कंडीशन होती है। अब देखिए और आगे चलते हैं, FIAs एंड DIAs की क्या एक्टिविटी रही है लास्ट ट्रेडिंग सेशन पर वो जानने की कोशिश करेंगे। 16 जुलाई लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, यहां पर अगेन तकरीबन 450 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली FIAs ने करी है, जबकि 666 करोड़ की खरीदारी DIAs ने करी है। तो एक ट्रेंड है वो फॉलो होता आ रहा है, ये हम कई वीडियोस में डिस्कस कर रहे हैं, एक्चुअली हर निफ्टी टुमारो की वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं। एंड अभी जो बेसिकली एक नजरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है वो स्टिल सेम है कि DIAs यहां से एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ में कामकाज कर रहे हैं, जबकि FIAs यहां से कुछ डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कैश मार्केट का ये हाल है, आने वाले टाइम में क्या कुछ होगा, इसके अंदर कुछ बदलाव आते हैं या नहीं,
उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ज्यादा फोकस होकर देखना होगा, क्योंकि जिस दिन भी यहां पर एक बड़ी खरीदारी एफआईआईज की तरफ से आ गई तो आप समझिएगा उस दिन काफी अच्छे लेवल्स, एक स्टेबल लेवल्स बनते हुए नजर आ सकते हैं निफ्टी के अंदर। अब हम लोग देखते हैं ओआई डेटा। ओआई डेटा को देखने से पहले मैं थोड़ा सा आपको और कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। 15,923 का स्पॉट है निफ्टी का। देखिए हुआ क्या है, एक दिन रिलायंस चलता है, एक दिन एचडीएफसी बैंक चलता है। आप देखिए चार्ट्स के ऊपर आपको ये चीज दिखाई देगी कि दो जो दिग्गज शेयर है निफ्टी 50 के, ऑल्टरनेट डेज पर ये स्टॉक्स कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसके अंदर लास्ट फ्राइडे को क्या हुआ कि रिलायंस ने अच्छा खासा मूव दिखाया तो एचडीएफसी बैंक कहीं ना कहीं एक फ्लैट टेरिटरी में क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन निफ्टी आईटी ने वहां पर निराश किया। अगर निफ्टी आईटी सपोर्ट देता तो आई थिंक 16,000 को टच हम लोग कर चुके होते लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, यानी कि फ्राइडे के दिन ही। तो निफ्टी आईटी का परफॉर्मेंस दिखाना साथ ही साथ रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल 16,000 को पार करना चाहते हैं। लूजर्स में अगर आप देखेंगे तो एचसीएल टेक, इंफोसिस जैसे दो टेक शेयर्स यहां पर दिखाई दिए हैं टॉप लूजर्स में, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि 16,000 का जो मार्क है वो अभी भी एक हर्डल बना हुआ है। तो ये तीन सेक्टर्स जिसमें बेसिकली रिलायंस आ जाता है, फिर बैंकिंग सेक्टर में एचडीएफसी बैंक, एंड तीसरा जो निफ्टी आईटी है बेसिकली जो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन का कारण है इस वक्त स्टॉक मार्केट पे, इन तीनों को एक साथ आगे की तरफ चलना होगा तभी 16,000 के लेवल को हम पार करेंगे एज वेल एज हम उसको स्टेबल कंडीशन में होल्ड कर पाएंगे। तो ये तीनों ही सेक्टर्स को आपको देखना है और इसी के बेसिस पर अपनी आगे की ट्रैजेक्टरी डिफाइन करनी है। अब देखिए ऑप्शन चेन पे देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में 22 जुलाई की जो एक्सपायरी है उसका क्या कुछ यहां पर डेटा दिखा रहा है वो हम लोग देखते हैं। 15,923 का स्पॉट है। अगर हम लोग पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के साथ में ये समझते हैं कि मार्केट इससे ऊपर जाएगा तो 16,000 पर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिलेगा। 53,000 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर इस वक्त आउटस्टैंडिंग बैठे हुए हैं। एंड जो ओआई एडिशन हुआ है 26 तारीख को, सॉरी लास्ट फ्राइडे को, वो भी आप देखिए 26,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स का हुआ है। कॉल राइटर्स की यहां पर ग्रिप है, यानी कि 16,000 स्टिल ए हर्डल। लेकिन आपको एक चीज और दिमाग में रखनी है कि आज ये डेटा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं शो कर रहा। उसके दो कारण है। पहला कारण ये कि देखिए अब एक तो नए हफ्ते की शुरुआत होगी कल से, दूसरा कारण ये कि आने वाला जो हफ्ता यानी कि कल टुमारो ऑनवर्ड्स मंडे ऑनवर्ड जो पूरा वीक रहेगा उस वीक के अंदर आपको बहुत मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई देंगे। और रिजल्ट्स जब भी आते हैं एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाने की पूरी कोशिश होती है, एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है ट्रेडर्स के दिमाग में भी कि रिजल्ट्स आएंगे तो हो सकता है बूस्ट कर जाए निफ्टी। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इसकी जो पूरी पिक्चर है, ये डेटा जो आपके सामने है, ये पलटती हुई दिखाई दे सकती है और मेजर इसमें चेंजेस आपको दिखाई दे सकते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। इसलिए बहुत ज्यादा मैं इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आज की स्थिति यही चीज पिक्चर क्लियर करेगी, इसलिए हमें देखना जरूरी है कि कहां रेजिस्टेंस है एंड कहां सपोर्ट है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि वेंसडे एक हॉलीडे रहेगा, यानी कि नेक्स्ट जो ट्रेडिंग सेशन है, नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक है एक्चुअली कल से, उसके अंदर 5 की जगह 4 ट्रेडिंग सेशन ही रहने वाले हैं। तो इसलिए मंडे ट्यूसडे देन हॉलीडे एंड फिर देन थर्सडे एंड फ्राइडे, इस तरीके का सेशन हमारे सामने रहने वाला है। तो 16,000 पर क्लियरली आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि स्टिल मैं समझता हूं कि एसजीएक्स निफ्टी ने अगर नेगेटिव रुख दिखाया कल सुबह मॉर्निंग में तो फिर 16,000 को पार कर पाना एक मुश्किल रह सकती है। लेकिन सपोर्ट की तरफ अगर आप देखेंगे तो 15,900 पर बहुत ही नियर, 16,000 से बहुत ज्यादा नियर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्रिएटेड है। 45,820 कॉन्ट्रैक्ट्स का ओआई है 15,900 पर, यानी कि लोगों ने ये समझिए कि देखिए बहुत ही ज्यादा नियर में पोजीशंस क्रिएट करी, यानी कि सेलर्स ने पुट साइड में 15,900 पर एंड कॉल सेलर्स ने बेसिकली 16,000 पर यहां पर राइटिंग कर रखी है, जो अपने आप में एक बहुत इनडिसाइसिवनेस में कह सकता हूं कि देखिए जब भी ये राइटर्स जो हैं अपनी पोजीशंस को कवर करेंगे किसी भी न्यूज के बेसिस पर, तब देखिए किसी भी साइड में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ एक ड्रास्टिक मूव आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश कीजिए, टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन जब तक ये नहीं समझेंगे तब तक ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। देखिए कॉल राइटर्स बैठे हैं 16,000 पर, पुट राइटर्स बैठे हैं 15,900 के ऊपर।
अब यहां पर अगर कोई एक ऐसी न्यूज आती है जो मार्केट को नीचे ले जा सकती है तो एकदम से जो राइटर्स हैं वो कवर करने के लिए दौड़ेंगे तो डेफिनेट सी बात है पुट राइटर्स आपको कवर करते हुए दिखाई देंगे अपनी पोजीशंस को, तो मार्केट बेसिकली क्या होगा, नीचे की तरफ और भी ज्यादा जाएगा, और ज्यादा नीचे की तरफ गिरेगा। ऑन द अदर हैंड अगर कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज आती है जो मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाती है तो उस केस में कॉल राइटर्स अपनी पोजीशंस को कवर करने के लिए दौड़ेंगे, और जब कॉल राइटर्स कवर करने के लिए दौड़ेंगे तो इट मींस जो बेसिकली न्यूज के बेसिस पर ऊपर मार्केट जा रहा है उसके अंदर और तेजी से बूस्ट मिलेगा, ये लोग अपनी पोजीशंस को काटने की कोशिश करेंगे। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको एक बहुत शार्प मूव देखने को मिल सकता है, तेजी वाला मूव देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर आप कॉल बाई कर रहे हैं या पुट बाई करके चल रहे हैं तो कम क्वांटिटी में एंड बहुत कन्विक्शन के साथ में कीजिए। प्राइस एक्शन को अगर नहीं समझते तो टेक्निकल इंडिकेटर्स की मदद जरूर लीजिए, केवल प्राइस एक्शन के बेसिस पर आपको ट्रेड नहीं लेनी है अगर आप एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है। तो ऑल ओवर जो सिचुएशन नजर आ रही है वो देखिए 15,900 के और नीचे हम लोग चलते हैं तो 15,800 पर हमारे पास में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आ रहा है। तो मैं ये समझता हूं ऑल ओवर अभी मेरी जो कंडीशन है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए मैं क्या प्रिडिक्ट कर पा रहा हूं वो यही है कि 15,800 कुड बी अ लेवल दैट कुड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, क्योंकि 15,900 बहुत नियर है अभी स्पॉट प्राइस से। इसलिए 15,800 से लेके एंड 16,000 की जो रेंज है वो कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए इंटैक्ट यहां पर नजर आ रही है। तो ऑल ओवर इस तरीके से आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिजाइन करना चाहिए आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए, एंड कॉशियसली थोड़ा सा ट्रेड लें क्योंकि मार्केट्स के अंदर वोलेटिलिटी ज्यादा रह सकती है। क्यों रह सकती है? क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताए हैं, ग्लोबल मार्केट्स, उसके बाद में मेजर कंपनीज के रिजल्ट्स आना, उसके बाद में डेल्टा वेरिएंट की न्यूज जो है उसका स्प्रेड होना, और जापान में जो ओलंपिक्स हो रहे हैं वहां पर भी कुछ लोगों को डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है, तो वो न्यूज अगर बूस्ट होती है तो भी एक नेगेटिव कारण यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। तो ऑल ओवर इस तरीके से आपको थोड़ा सा चीजों को कंबाइन करके फिर स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एंड बहुत बड़ी क्वांटिटीज में मत प्ले कीजिएगा, ये मेरा राय है। आपको इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी डिफाइन कर सकते हैं। तो ऑल ओवर देखिए ये व्यू है निफ्टी टुमारो का, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में अगले स्टॉक के साथ, तब तक नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।